के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और बात अगर खबर की करें तो कुछ ऐसी खबरें हैं जो चौंकाने वाली भी है और सतर्क होने वाली भी है। झारखंड ने थोड़ी सी ढील क्या दी कोरोना को, अचानक कोरोना का विस्फोट होना शुरू हो गया और जद में लोह नगरी जमशेदपुर भी है, रांची भी है और आज से बिहार में भी छूट दे दी गई है। छूट के बाद ये जो अचानक विस्फोट हो रहा है ये किस लहर का संकेत है, क्योंकि बिहार और झारखंड साथ साथ लगभग पूरे देश में एक साथ दूसरे लहर की शुरुआत हुई थी, लेकिन झारखंड में जैसे ही स्वास्थ्य सुरक्षा सब सप्ताह में जैसे ही ढील दी गई, समस्याएं खड़ी हो गई कि अचानक कोरोना का रफ्तार बढ़ा, मौत की भी रफ्तार बढ़ चुकी है। अब उसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो पूरे कोरोना काल के दौरान जो ड्रग्स विभाग या आर्थिक अपराध इकाई जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि रेमडेसिविर को लेकर सब जगह सबको पता है कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना से लोगों को राहत मिली खेल शुरू हो गया। एक एक अस्पताल को क्लीन चिट देने की तैयारी पहले से भी थी, अब क्लीन चिट देने शुरू भी हो गई है। तो ये सिस्टम है, ये सरकार है और ये व्यवस्थाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के भ्रष्टाचार को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं ये समझने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आज कई जगह दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिससे लोगों की मौत हुई है। सुबह से पटना सहित अधिकांश इलाकों में जबरदस्त बारिश की खबर है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई है उमस में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं इस कोरोना काल में जो रेमडेसिविर को लेकर हंगामा बरपा था, कई अस्पतालों में छापेमारी हुई थी, लेकिन हालात ये हैं कि जैसे ही कोरोना काल से हम लोग बाहर निकलना शुरू हुए, पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कार्यालय, आर्थिक अपराध इकाई, सारा नेक्सस एक साथ अस्पताल को बचाने के लिए खड़ी हो गई और अब ये कह रहे हैं कि मानव भूल के कारण इस तरह की घटनाएं घट गई हैं। हर किसी को पता है कि एक 6,000 की सुई जो है सो किस तरीके से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में लोगों को 6-6 सुई खरीदना पड़ा है। चलिए हमारे साथ बरगूब आलम जुड़ चुके हैं। बरगूब, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अस्पतालों पर छापामारी चल रहा था, जैसे ही कोरोना काल से हम लोग बाहर निकले जो नेक्सस है अस्पताल, ड्रग माफिया, ड्रग्स कंट्रोलर और पुलिस सारे एकजुट हो गए और खबर ये आ रही है कि अधिकांश मामलों में पुलिस और ड्रग कंट्रोलर विभाग मिलकर क्लीन चिट दे रहे हैं अस्पतालों को। जैसे कि निश्चित तौर पर एक मामला जो आया है वो एक कंकड़बाग में एक निजी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है जिसमें दवाई को लेकर उस समय जो जीवन रक्षक सुइया थी उसको लेकर के वहाँ छापेमारी हुई थी और छापेमारी के बाद वहाँ एक मामला दर्ज हुआ था। लेकिन इसी बीच जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अलग से जाँच के लिए जो टीम बना दी और उस टीम ने उस पर कह सकते हैं कि अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया। अब वो जो रिपोर्ट है वो पुलिस के पास गई है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में, पुलिस का कहना है कि उस रिपोर्ट का अवलोकन किया जा रहा है। तो देखिए निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में उसके बाद अन्य अस्पतालों के मामले में भी अब चूंकि मीडिया की टीम लगी है कि आखिर क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या पूरा मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हुई है, बचाने की पूरी कोशिश स्वास्थ्य विभाग में किनके तरफ से हुई है, किनके आदेश को हुई है, ये तो निश्चित तौर पर आने वाला कह सकते हैं उस समय है, इंतजार करना पड़ेगा, संतोष जी पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो रोल मुख्य तौर से जो रोल है वो रोल ये था कि वहाँ जो अनियमितताएं मिली थी उसके बाद वहाँ FIR हुआ, FIR के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम बनाई गई जाँच के लिए, उस टीम ने जाँच में क्लीन चिट दे दिया और उसके बाद पुलिस का कहना है कि अभी भी FIR है, हम अपने तरफ से भी जांच कर रहे हैं लेकिन एक रिपोर्ट हमारे पास आई है स्वास्थ्य विभाग की, उसका अवलोकन किया जा रहा है। तो अब आगे आने वाले दिनों में पता चल पाएगा संतोष जी कि इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े खबर का खुलासा हुआ है। फिलहाल ये पूरा मामला निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताना होगा कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या पूरी जाँच चल रही है, कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये निश्चित तौर पर आने वाला समय बता पाएगा संतोष जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरी खबर, याद होगा कि 3 दिन पहले पटना फतुहा 4 लेन पे एक पूर्व बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी लीड मिली है, दमाद ने ही 60 लाख रुपए के
राशि को गमन करने के लिए हड़पने के लिए अपने ससुर की हत्या करवाई है। देखिए आज के समय में इस पारिवारिक रिश्तों पर किस तरीके से पैसे भारी पड़ रहे हैं, ये एक अजीबो गरीब स्थिति है कि दामाद अपने ससुर की हत्या करा दे रही है इसलिए कि 60 लाख रुपये जो जमीन खरीदने के लिए राशि का आदान प्रदान हुआ था उसको गमन करने के लिए उसने हत्या करवा दी है। शूटर भी गिरफ्तार हो गए हैं, उसके दामाद भी गिरफ्तार हो गए हैं। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, पूरा मामला क्या है? देखिए यहाँ से लगभग 3 दिन पहले पटुआ फोर लेन पर एक संशिष्ट हत्या हुआ था। वो जो व्यक्ति है वो रिटायर बैंक का कर्मचारी मैनेजर रहा है, वो लौट रहा था बिहार शरीफ से अपने अपने घर भागवत नगर पटना, और फतुआ फोर लेन पर वहीं पर 20 सड़क पर अपराधियों ने रोक करके उसको गोली से उसे गोली मारी थी। ड्राइवर को भी गोली मारी गई थी, हालांकि ड्राइवर को होश आ गया था, उसके बाद ड्राइवर का बयान लिया गया था। शुरू से ये पूरा मामला उस पूरे फैमिली के इर्द गिर्द घूम रहा था, जिस तरीके के फैमिली के सरकमस्टांसेस थे उसी आधार पर पुलिस को लीड मिला था। कल देर रात जो कशिश सुनिश को जानकारी मिली वो यही मिली कि दामाद की गिरफ्तारी हो गई है, शूटर को गिरफ्तार किया गया है, और इस पूरे मामले में पैसे का और जमीन का खेल है। खेल और पैसे जमीन के खेल के को लेकर के, विवाद को लेकर के या लालच को लेकर के ये पूरा हत्याकांड कराया गया। फिलहाल निश्चित तौर पर पुलिस ने जो महत्वपूर्ण सफलता है वो प्राप्त कर ली है, लेकिन कुछ एविडेंस पुलिस अभी खोज रही है, वो इवेंट जैसे ही पुलिस को मिलेगा पुलिस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद में हत्या हुई थी, हालांकि बहुत सनसनीखेज हत्या था। पटना के एसएसपी ने खुद मौके वारदात पर जाकर पूरे मामले का अवलोकन किया था, और आपको याद होगा ये हत्याकांड जिस दिन हुआ उससे ठीक एक दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर करके मुख्यमंत्री ने मीटिंग किया था, तो इसीलिए पूरा मामला बहुत ही बड़ा हुआ था और कहने के सारे मीडिया चैनल अखबारों ने पूरी प्रमुखता से दिया था। तो फिलहाल मामले का लगभग खुलासा हो गया है, कुछ एविडेंस बाकी है, पुलिस उस एविडेंस के साथ पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के तारीख में समझे दामाद ससुर की हत्या अगर करवाए तो फिर उसके घर के अंदर का जीवन हालात क्या पर असर पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी कहीं ना कहीं बेटी है, और बेटी को अगर मालूम हो गया कि इस खेल में उसका हस्बैंड शामिल है तो कई रिश्ते कई परिवार का रिश्ता बदल सकता है, ये समझने की जरूरत है। चलिए अब हम आगे की खबर पर बढ़ते हैं, और आगे की खबर भी कुछ इसी तरह की खबर है, और ये हम झारखंड की बात करते हैं। और झारखंड में साहेबगंज में एक नए बैच की एक महिला दरोगा की हत्या हुई थी, रूपा टर्की, और उस हत्या के बाद आत्महत्या की बात आई सामने, उसको लेकर बड़ा बवेला मचा था। और इसमें यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के करीबी का इस हत्याकांड से ताल्लुक है, इसीलिए पुलिस मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। आरोप ये था कि उस दरोगा ने जो जिस पर ये आरोप लग रहा है अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी भी आरोप लगा रही है, जिस व्यक्ति पर लगा रही है उसके आवास पर ये छापेमारी करने के लिए गई थी। कई तरह के अन्य बड़े नेटवर्क का खुलासा होने वाला था, और उससे पहले वो कह सकते हैं कि पंखे में लटकी हुई पाई गई थी। उसको लेकर लगातार हम कहें तो 20-25 दिनों से आंदोलन चल रहा था पूरे रांची और साहेबगंज के इलाके में। बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम विपक्ष सरकार पर हमलावर थे, तो इस स्थिति में सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक जांच कमेटी गठित की गई पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में। हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या है ये पूरा मामला? यह साहेबगंज से जुड़ा हुआ मामला है, रूपा तिर्की की हत्या से जुड़ी हुई मामला है, और इसमें जहां जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इसे आत्महत्या नहीं मान रहे हैं, इसे हत्या मान रहे हैं, और सीबीआई जांच की लगातार मांग वे कर रहे हैं, और सरकार ने भी कल जांच के आदेश दे दिए हैं जिसमें जो हाईकोर्ट के जज हैं वे न्यायुक्त हैं वे इसकी जांच करेंगे। पर अब भी जो उनके परिजन हैं या आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वे इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के जो समाधि स्थल है बिरसा मुंडा का, वहाँ पर आज यहाँ पर भी जो लोग हैं वे जरूर समाधि स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, पर रूपा तिर्की का मामला भी यहाँ पे दिख रहा है, और जो आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं वे कहीं ना कहीं यहाँ पे रूपा तिर्की की हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ पे कर रहे हैं। सरकार के कई प्रतिनिधि या मंत्री यहाँ पे आए थे समाधि स्थल पर, और उनका भी इन लोगों ने विरोध किया। आप देख सकते हैं हाथों पे
पंपलेट लिए हुए ये रूपा तिर्की की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं आखिर क्या मांग है और जो सरकार इसमें पहल कर रही है उससे कितना इनकी रूपा तिर्की की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कल एक जांच का आदेश भी दिया। सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया, ये हम लोगों को भी खबर मिली है और पेपर के माध्यम से भी हम लोग देखे हैं, लेकिन हम लोग न्यायिक जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि पिछले बार भी जो एसआईटी की टीम थी उन्होंने भी जो जांच किया उस पर भी हम लोगों को भरोसा नहीं लगा और उस पर हम लोग संतुष्ट भी नहीं है, ना परिवार वाले संतुष्ट है। अब न्यायिक जांच का आदेश मिला उस पर भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो पता चल रही है साहेबगंज में जो ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जो खुद पार्टी में है, जो सरकार में है, और सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए वो झारखंड के ही जांच एजेंसियों को जांच के लिए दे रही है, सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे रही है। क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अगर सीबीआई जांच होता है तो बड़े बड़े लोग इसमें फंसने जा रहे हैं। कई मंत्री भी अभी यहाँ पे पहुँचे थे, रामेश्वर राव भी आए थे, इस संबंधित कुछ बातें पता नहीं आप लोग क्या बात किए, लेकिन उनकी हमारे से कोई बात नहीं। हम लोग इतने देर से बैठे हैं, खुद वो आदिवासी आरक्षण सीट से जरूरी भी नहीं समझे। संदीप, हम आपको रोकना चाहेंगे, आज भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस भी है और आप शहादत दिवस के मौके पर जो बिरसा मुंडा का जो राजकीय सम्मान है उस स्थल पर आप मौजूद हैं। जरा हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और इस मौके पर सरकार की कोई घोषणा हो या सरकार कुछ खास कार्यक्रम की अगर घोषणा करने वाले हो, ये तो सियासत आपने दिखाई है कि सीबीआई जांच की मांग कर रही है, एक अलग सियासत है और उस सियासत को समझने की जरूरत है कि हर हाई प्रोफाइल मामले में एक ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम लोग लेते हैं, संस्थान का नाम लेते हैं जो खुद अपना भरोसा खो चुका है, लेकिन उसी के सहारे लोग राजनीति भी साधते हैं, यही सियासत है। बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर आज पूरे झारखंड और रांची में क्या कार्यक्रम है संदीप? जी, बिरसा मुंडा का आज 121वीं शहादत दिवस है और इस वक्त जो नजारा है आप देख सकते हैं सीधे, या कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल है जहां पे बिरसा मुंडा की समाधि बनी हुई है। हर एक साल कह सकते हैं यहां पे जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी यहां पे पहुंचते हैं, पर कोरोना की वजह से इस बार अभी तक मुख्यमंत्री या राज्यपाल की बात करें तो वे यहां पे नहीं पहुंचे हैं, पर जो वित्त मंत्री है राज्य सरकार के में रामेश्वर उरांव, वे यहां पे पहुंचे थे और उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाव ने याद किया है। इससे पहले जो बीजेपी से हैं दीपक प्रकाश, जो सांसद है संजय सेठ, विधायक समरी लाल, ये सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं आज के दिन को वे याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की जो कार्यशैली रही है उस रास्ते पे चलने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। यदि बिरसा मुंडा का जो योगदान रहा है झारखंड के लिए तो वह बहुत अधिक बड़ा रहा है, यही वजह है कि आज के दिन या फिर पुण्य जो जन्म दिवस होता है उस दिन यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और इस समाधि स्थल पे भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रांची से संदीप जुड़े हुए थे और अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं और बात हम कोरोना विस्फोट की करते हैं। और कोरोना विस्फोट, एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज, जमशेदपुर में मौत का भी आंकड़ा उसी तरीके से अचानक उछाल आया है। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि जैसे ही लॉकडाउन, मतलब वहाँ झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जैसी ढील दी गई, अचानक कोरोना विस्फोट की खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। 17 दिन बाद मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 348 कोरोना मरीज संक्रमित पाए गए हैं, 5 लोगों की जान गई है और एक और बात है कि इसमें सभी मरीज में 60% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में के मरीज हैं। हमारे साथ मनोज जमशेदपुर से जुड़ गए। मनोज जी, ये अचानक जो कोरोना विस्फोट फिर देखने को मिल रही है, इसकी क्या
वजह है, और फिर इस विस्फोट के बाद क्या लॉकडाउन को लेकर या आपके यहाँ जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रही है और जमशेदपुर प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए निश्चित तौर पे सबसे पहले कि आखिर अचानक विस्फोट कैसे हुआ, क्योंकि शहर में जांच चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम जांच नगण्य था, जांच नहीं हो रहा था, तो ये पता नहीं था कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की संख्या कितनी हो सकती है। जब वैक्सीन देने की बारी आई और वैक्सीन लोग लेने से इनकार करने लगे तो प्रशासन ने जांच का जो दायरा था वो बढ़ा दिया, और जैसे जैसे जांच बढ़ा वैसे वैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती गई। पहले 40 था, अब एक बार 348 मरीज मिला, 5 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद प्रशासन काफ़ी परेशान है क्योंकि अब जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, लोग ये इंतजार कर रहे थे कि अब यहाँ पर जो लॉकडाउन था वो अब पूर्णतः खोल दिया जाएगा, लेकिन जैसे जमशेदपुर में एक दिन में 348 मरीज मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और राज्य सरकार से आग्रह कर रही है कि अब इस पर जमशेदपुर के लिए और बाकी ग्रामीण राज्य के ग्रामीण इलाकों के लिए आपको अब सोचना होगा कि कैसे इस कोरोना महामारी पर हम अंकुश लगाएं। तीसरा वेग को लेकर परेशानी तो है ही कि वो आने वाला है, उससे पहले दूसरा वेग जो था वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में 60% स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें साफ कर दिया है कि 60% ग्रामीण क्षेत्र के लोग संक्रमित है, मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है, अब जरूरत है ऑक्सीजन की और व्यवस्था करने की और अस्पताल की व्यवस्था करने की। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे जमशेदपुर से। मतलब अचानक कोरोना विस्फोट झारखंड में देखने को मिल रही है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था उसके सहारे जो सोशल डिस्टेंसिंग को रोका गया, भीड़ भाड़ इलाके में लोगों की संख्या नियंत्रित रहे इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें थोड़ी ढील हुई, और ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन का काम बहुत धीरे चल रहा है, और ये वजह मानी जा रही है कि अचानक ये जो विस्फोट हुए उसकी एक बड़ी वजह ये है। चलिए अब बगहा की खबर की, जहां बीते रात एक साथ 6 दुकानों में चोरी हुई है और उस चोरी से लोग इतने नाराज हुए कि पुलिस प्रशासन पर ही हमला बोल दिया। ये चोरी क्यों हुआ? स्वाभाविक तौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकबंदी हुई है उसके बाद अब तो लॉकबंदी खत्म हो गई, लेकिन कल तक वो लॉकबंदी जो मियाद थी वो कल तक के लिए थी, लेकिन इस दौरान चोरी होना वाकई में लोगों का आक्रोश उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों के लिए ई पास की जरूरत होती है लेकिन अपराधियों के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है और वो धड़ल्ले से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे। तो अंतिम दिन भी लॉकडाउन के अंतिम दिन भी इस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। क्या कह रहे हैं दुकानदार, क्यों भड़के हैं दुकानदार, जरा आप भी सुनिए, फिर हम अपने संवाददाता के पास बघा चलेंगे। रात में सुबह 5 बजे खबर चलाया था, हमारा जाने तो देखा हमारा दुकान में चोरी हो गया है। कितने की चोरी हुई लगभग? अब दुकान खोले सब जितना कार्टून पेटी पेटी माल था सब कल ही माल भरे, 2 महीना लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद कल माल भरे कि यहाँ से अनलॉक होगा तो दुकान खुलेगा, तो कल ही सब 4-5 लाख का माल लगा। राकेश क्या है पूरा मामला? बगास हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। 6 दुकानों में चोरी की घटना घटी और उस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है, जबकि कल लॉकडाउन का आखिरी मियाद दिन था और उम्मीद की जा रही थी कि प्रशासन की मुस्तैदी बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक भी हुई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी आक्रोश की वजह क्या है? जी बता दें कि बगहा नगर थाना से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर स्थित ये दुकान है जो अनुमंडल अस्पताल है, जहाँ उसी के बगल में ये लोगों का दुकान है और उसके दुकान के ठीक है लगभग 20 मीटर पे पुलिस का चेक पोस्ट भी बना हुआ है, जो रात्रि में जो वाहन कर्फ्यू लगाए उसकी जांच के लिए पुलिस चेक पोस्ट भी बनाई है, और उसे मात्र 20 मीटर के दूरी पर इस चोरों के द्वारा दुकानों के ताला तोड़ दी जाती है। तो लोगों में काफी आक्रोश है कि लोग आते हैं और अपनी सारा जो भी दुकानदार है अपनी पूंजी दुकान में छोड़कर घर चले जाते हैं और उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस के खिलाफ लोगों ने काफी नाराजगी दिखाई है कि पुलिस की जो कार्यशैली है, जो उसकी गश्त की टीम है, अगर लगातार गश्त जारी रहता, पुलिस मुस्तैद रहती, तो शहर में इस तरह की घटनाएं नहीं होती।
जिसको लेकर स्थानीय लोग है जो भी दुकानदार है उसमें खासा नाराजगी है कि जो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है कि जहां पुलिस ने अपना एक चेक पोस्ट प्वाइंट बनाया है उससे 20 मीटर की दूरी पर चोरों ने इस तरह की घटनाएं होता है, दुकानों के ताला टूटती है और सामानों की चोरी होता है, तो जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों में भय व्याप्त है पुलिस के कार्यशैली से लेकर और चोरों के आतंक से। अगर इस तरह के चोरों पर अंकुश नहीं लगा पाती है पुलिस तो सारे व्यवसायी में काफी आक्रोश है और उसके लिए आंदोलन भी व्यवसायी करेंगे। लेकिन जो दुकानदार हैं वो अपने बता रहे हैं कि अपनी पूंजी लॉकडाउन के बाद जब दुकान खुला था तो उन्होंने दुकान में अपने माल मंगाए थे और उस समय चोर रात में चोर द्वारा चोरी कर ली जाती है, तो लोगों में इसको लेकर काफी भयभीत है कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार अगर बगान शहर में बढ़ता रहेगा तो लोग अब हम आरा की खबर हम आपको दिखाते हैं। ये 21वीं सदी में महिलाओं को लेकर हमारी क्या सोच है, किस तरीके से आज भी हम हवस की शिकार या हवस के रूप में महिलाओं को देखते हैं, इसकी एक वानगी देखिए कि बार बार वाला डांसर को अब पिजरों में बंद करके कि कोई उसके साथ गंदी हरकत ना करे। और ये आज की मतलब समय में जब महिला और पुरुष की समानता की बात हो रही है लेकिन हमारे नजरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, जरा ये समझने की जरूरत है। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वो लॉकडाउन के दौरान मतलब कल की वीडियो है, खुल्लम खुल्ला डीजे भी बज रहा था और इस तरीके से लड़कियां को देखिए बाल बाल डांसरों को किस तरीके से पिंजरा में बंद करके, भाई जो जिस सभ्यता को हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, हर किसी के रूप कर समानता की बात करते हैं, वहां आज भी महिलाओं को लेकर ये नजरिया है। हम कहां जा रहे हैं कि तो पशुता का एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीम ये वीडियो है, ये आज के दौर में हम किस तरीके से इस वीडियो के सहारे जरा देखिए क्या इसको कहा जा सकता है। जरा वीडियो वहां के जो है पदाधिकारी जरा उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। देखिए अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो हैं वो मिली हैं और उसको संज्ञान में हमने लिया है, अभी मुद्दा पे बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अगर इस तरह का कोई घटना घटी है तो उसकी जांच कराई जाएगी और निश्चित रूप से अगर मामला संज्ञान में आता है और सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी घटना ये कल से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाओं को पिंजरे में बंद करके जैसे लग रहा है कि किसी जानवर को हम कैद करके ले जा रहे हैं, हम उसके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, ये किस समाज का आईना है, ये क्या लोग कहेंगे, आरा की छवि क्या बनेगी आने वाले समय में कि भाई आरा में बाल बालाओं को किस तरीके से पिंजरे में बंद कर ले जाया जा रहा है कि कहीं कोई उसके साथ मिसबिहेव ना हो जाए, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये मानसिकता आरा को क्या दर्शाता है, क्यों ये स्थिति बन रही है कि बाढ़ बालाओं को भी पिंजरे में बंद करने की जरूरत महसूस हो रही है। चंदन अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो चंदन सीधा सवाल कि सड़कों पर इस तरीके से बार बालाओं का डांस हो और उसको पिंजरों में बंद करके रखा जाए, ये किस मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना के वार्ड नंबर 10 से जुड़ा हुआ है जहां की एक शादी समारोह चल रही थी, उसी के दरमियान ये वीडियो सामने आया है जहां की पिंजरे में बंद करके एक तरह से कहें तो एक अजीब तरह का इसको हरकत कहें, एक विकृत मानसिकता कहें या फिर इसको मनसोखी या जो भी मन भरने की बात कहें, इसको कौन से रूप में हम विकृत करें ये समझना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अश्लील गानों पर बंद पिंजरे में उन लोगों ने डांस किया, उन लोगों से डांस कराया गया, कहीं ना कहीं से एक अलग मानसिकता विकसित होती दिख रही है। ये जो शादी समारोह है कुलवर के 10 नंबर जो मियां से कुहल्ला है वहाँ चल रहा था जहाँ की भागलपुर से बारात आई थी, वहीं 4,000 रुपए में सेट करके मुजफ्फरपुर से नर्तकियों को बुलाया गया था। हालांकि एक तरह से कहें तो कोरोना
गाइडलाइन को लेकर के नाइट कर्फ्यू है, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी है। शादी विवाह में नाच गाने प्रदर्शन डीजे पर रोक है, उसके बावजूद भी जिस तरह से नर्तकियों को बुला करके वहाँ पिंजरे में बंद करके डांस कराया गया, वहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखा ना ही किसी चेहरे पर मास्क दिखा। उसके अलावे हद तो तब हो गई जब सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है उस पिंजरे के चारों तरफ नाच का आनंद लेती रही, और एक तरह से कहें तो प्रशासन को कानों कान खबर नहीं मिली, जबकि 20 लोगों को ही सीमित किया गया शादी समारोह में आने के लिए। लेकिन इसको लेकर के लगातार कोइलवर में जिस तरह से चिंता परोसी गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आरा से चंदन जुड़े हुए थे, और हम आपको बेगूसराय ले चलते हैं जहाँ बेगूसराय में एक दुखद घटना घटी है। 3 युवा की मौत हो गई है, टक्कर पिकअप वैन और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 3 युवक की मौत हो गई है। पिकअप अभी कह सकते हैं कि बिहार के सड़कों पर एक्सीडेंट के मामले में अगर बात करें उस गाड़ी का, तो रोजाना अगर 10 एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें 8 एक्सीडेंट उस पिकअप की वजह से, पिकअप वाहन की वजह से हो रही है। जरा आप देख रहे हैं ये घटना जो है NH पर 28 पर घटी है, महारानी पेट्रोल पंप के पास, और बरियारपुर गांव के ये रहने वाले लोग हैं जिनकी मौत हुई है, जिन युवा की मौत हुई है। जरा सुनिए कि इसके दुर्घटना के बाद परिजनों का और वहां जो स्थानीय चौकीदार हैं उनका क्या कहना है। निकले जा रहे थे मजदूरी, राजमिस्त्री का काम करते थे तीनों, तो बिहार से रिटर्निंग में मतलब आ रहे थे घर वापस, तो महरौनी गौरा महरौनी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया बिलोरो। आप कौन खबर है? हमने सामने टक्कर में 2 स्पॉट डेट वहीं पर हो गया, और एक जो है तो लाइफ लाइन लेते लेते मतलब वहाँ भी 1:30 रात में वो एक्सपोर्टेड कर। 0 मैन में पिकअप पकड़ाया, वही पिकअप में जैसे एक्सीडेंटल किया हुआ, जैसे फटा खुलास उसमें था, जिंदा था तखन। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया लाइफ लाइन में, बाद में हमारा। हमारे साथ बेगूसराय से सौरभ जुड़ गया। सौरभ, क्या है ये पूरा, कैसे ये दुर्घटनाएं घटी, और पिकअप वैन को लेकर ये लगातार खबरें आती रही हैं कि अधिकांश दुर्घटनाएं बिहार में पिकअप वैन की वजह से हो रही है, फिर भी प्रशासन पिकअप वैन के स्पीड और ड्राइवर को लेकर जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था उस पर कोई किसी भी तरह के प्रशासन ने अभी तक उस पर उस समझदारी के साथ उस पर सोच डेवलप नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि ये दुर्घटना पिकअप वैन की लापरवाही के कारण, चालक की लापरवाही के कारण, या क्या कैसे ये घटना घटी है? चालक तेज गति से टेगरा की ओर से आ रहा था, तो निश्चित रूप से हाई स्पीड वजह से ये पूरी घटना घटी है। जो तस्वीर सामने आई है, पिकअप जब बाइक में टक्कर मारी तो बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसी घटना में बाइक पर सवार 3 मजदूर थे जो काम करके वापस घर रात के करीब 8-9 के बीच में लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो ये हाई स्पीड की वजह से ही पूरी घटना हुई है, और कहीं ना कहीं लापरवाही NH पर देखने को मिलती है। जब पिकअप तेज रफ्तार में रहती है लेकिन उस पर अंकुश कहीं नहीं है, हालांकि कायदे कानून जरूर बनाए गए हैं लेकिन इसका पालन NH पर नहीं किया जाता है, और उसी की वजह से यह पूरी घटना घटी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बेगूसराय संवाददाता सौरभ जुड़े हुए थे। चलिए, इस खास बुलेटिन को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हमारी आपके ठीक इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।